Hello everyone, happy Mother's Day to all of you. I finished my college, and you know, Orthodox families, how normally they want their kids to just get into marriage. तो वैसे ही बचपन में ही शादी हो गई और एक साल में I was a mother. उसके बाद में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़ गए और तभी आया ख्याल कि अपने टैलेंट पे कुछ करना ज़रूरी है. तो I have completed my graduation. उसके बाद में MBA मैंने अपनी करस्पॉन्डेंस से कंप्लीट की. लेकिन अपने टैलेंट पे जल्दी अगर कुछ करना है तो मुझे लगा कि फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म मेरे लिए हो नहीं सकता, बिकॉज बाई गॉड्स ग्रेस आई वॉज प्रेजेंटेबल, स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छा था. तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत की एक टेलीविजन शो से, मैं बनूंगी मिस इंडिया, जो नंबर वन पे रहा काफ़ी साल. और फिर मेरा पदार्पण हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में और वहाँ पर मैंने 75 फिल्म्स की और सफ़र चलता रहा. बच्चों को टाइम उतना नहीं दे पाती थी तो उनको बोर्डिंग में मुझे रखना पड़ गया. बट मैं बहुत ब्लेस थी कि मेरे बच्चे समझदार थे और उन्होंने इस चैलेंज को बहुत पॉजिटिवली लिया कि मॉम बिज़ी है और हमको लुक आफ्टर करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए वो हमको टाइम नहीं दे पा रही है और उनको समझना होगा. सो आई फील वेरी प्राउड दैट आई हैव आशना एंड खुशी बाय माई साइड. आज वो पैन इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, ब्लॉगर्स हैं, नॉन ब्लॉगर्स हैं. न्यूयॉर्क फैशन वीक में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया से और मैक ब्रांड को रिप्रेजेंट किया है US में. सो आई फील वेरी प्राउड. एंड मुझे लगता है कि एक माँ की खुशी सबसे ज़्यादा इसी में होती है जब उनके बच्चे उनसे आगे नाम कमाते हैं. तो आज जब फैंस आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आप आशना की मॉम हो, तो आई फील वेरी प्राउड. मुझे लगता है इससे ऊपर मतलब हैप्पीनेस एक मॉम के लिए कुछ नहीं हो सकती है. तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है एंड आई फील वेरी नाइस. इंस्पायरिंग आइकन अवार्ड्स 24 ये थर्ड सीजन होने जा रहा है और मुझे लगता है कि हर माँ अपने आप में एक बहुत बड़ी विनर है, बिकॉज बच्चों को अच्छी परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में भी माँ प्यार उतना ही करती है और चाहती है कि अपना बच्चा सबसे बेस्ट करे, सब कुछ ऐसे लेवल पे करे जहाँ पे माँ को प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे ने ये किया. सो दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म आई फील जहाँ पर हर माँ को रिकग्नाइज़ किया जाएगा. वो कितना बड़ा या कितना छोटा ज़रूरी नहीं है. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एवरी वुमन इज़ ट्राइंग हार्ड, एवरी वुमन इज़ एम्पावर्ड. और मुझे लगता है इससे बड़ा अचीवमेंट और अवार्ड हो नहीं सकता. सो स्पेशल थैंक्स टू कुणाल जिन्होंने इस बारे में सोचा और इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया. आई फील वेरी प्राउड टू बी हियर. वॉट मैटर्स इज एवरी वुमन इज स्पेशल एंड वेन शी बिकम्स अ मदर शी बिकम्स मोर स्पेशल. सो आई फील स्पेशल टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.